उल्हासनगर बीजेपी पार्टी कार्यालय में मनाया गया भाजपा पार्टी के जीत का जश्न। आपको जानकारी देते हैं, जिस प्रकार से आज हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, 90 में से 50 सीट भाजपा को मिली और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी पहले से भी ज्यादा सीट्स भाजपा को मिली, जो पिछले मुकाबले से ज्यादा बताई गई, जिसका जश्न मनाते हुए उल्हासनगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बैंड बाजा और ताशे के साथ नाचते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए अपने ओर से भाजपा पार्टी का जीत का जश्न मनाते हुए देखे गए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष इस जीत के जश्न के मौके पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में खुशी है कि लगातार 55 साल के बाद हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो भी तब जब विपक्ष ने कह दिया था कि लोकसभा में झूठ के आधार पर झूठ लोगों को फंसाकर संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। यह झूठा चाल चलाने का जो प्रयास किया वह पहले ही चुनाव में धराशायी हो गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ काम करने वाली पार्टी है, किसानों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, हर एक उस राष्ट्र प्रेम करने वाला नागरिकों के लिए काम करने वाली पार्टी है। लगातार 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, यह भी 60 साल का रिकॉर्ड है। 60 साल बाद ऐसे हुआ, वो भी इस युग में जहां पर सोशल मीडिया और समय समय पर बहुत समाचार एजेंसियां सक्रिय है। सचमुच में अगर कोई देश का राष्ट्र का विचार कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। अब हमारी अगली कड़ी परीक्षा महाराष्ट्र की है। आज उन ताकतों के हौसले पस्त हो गए होंगे जिन्होंने यह सोचा होगा कि हम महाराष्ट्र में सरकार बना लेंगे, लेकिन इस खुशी ने आज मेरे सारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह दौड़ा दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र हम बड़ी बहुमत से जीतेंगे और उल्हासनगर विधानसभा आज तक जितनी हमको बढ़त नहीं मिली थी, सबसे ज्यादा बढ़त से उल्हासनगर की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के बाहर बड़े ही उत्साह के साथ खुशी का वातावरण है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। यह सिर्फ उल्हासनगर जिला भाजपा कार्यालय के बाहर नहीं हो रहा है, अपितु पूरे भारतवर्ष में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साधारण जनता लड्डू बांट करके खुशी मना रही है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड मतों से बनी है, पुराने दोनों रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए हैं। पहले हमारे 47 विधायक थे, फिर 40 विधायक बने, इस बार हमने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 48 विधायक हमारे वहां चुन के आए हैं। यह तो सिर्फ हरियाणा है जहां पूर्ण बहुमत हमें मिल रही है, लेकिन जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, जम्मू कश्मीर में हमने 29 सीटें लेकर के यह दिखा दिया है कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट देने को तैयार है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हर मुसलमान यही चाहता है कि भाजपा की सरकार वहां बने और इतना बहुमत हमें मिला है। तो महाराष्ट्र के जो चुनाव होंगे इसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी युति की सरकार होगी वह रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगी और पूर्ण बहुमत 145 प्लस सीटें यहां पर हमारी आएंगी। या हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है, इसी उत्साह के साथ सभी काम करेंगे और जैसे हमारे अध्यक्ष ने कहा है, उल्हासनगर विधानसभा में पिछले 50 वर्ष का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे और 25,000 की लीड से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके आएगा। कल ही हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के साथ बैठक हुई और हमने उन्हें विश्वास दिलाया है कि उल्हासनगर की टीम भारी बहुमत से 141 विधानसभा का चुनाव और कल्याणपुर का चुनाव जीत करके दोनों
जो हमारे विधायक हैं कमल के फूल पर चुनकर हम लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने सहयोगी दलों को भी, महायुति के जो साथी हैं उनको भी पूर्ण बहुमत से जिता करके लाएगा। मैं यही कहते हुए आज जो ये उत्साह है, यह उत्साह हमेशा कायम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने तन मन धन से अपना यह जो 2 महीने का समय भाजपा को देगा, और 15 नवंबर के बाद जब आप देखेंगे चुनाव होगा तब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, कमल का फूल आपको नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी तक जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे मोदी जी के खिलाफ जो नैरेटिव का ये वातावरण बनाया था, नेगेटिव वातावरण बनाया था, और यूट्यूबर मीडिया में जो मोदी के खिलाफ नैरेटिव चलाया गया था कि हरियाणा में वो कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी हार रही है, उसका जवाब हमारे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की रणनीति के हिसाब से उनका जवाब आज हरियाणा की जनता ने दे दिया। पहले से भी ज्यादा मेजोरिटी देके ये दिखा दिया कि अगर इंडिया में, पूरे देश में कोई पार्टी राज करने लायक है, सरकार चलाने लायक है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। विकास का माहौल है, सब जितने भी अपने कार्यकर्ता है, मैं तो कहूंगा ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। हरियाणा के अंदर हर एक कार्यकर्ता ने जो श्रम किया है, ये श्रम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं सब हमारे कार्यकर्ता का ये उत्साह, उमंग भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा के लिए रहेगा, और यही हम उल्लासनगर के अंदर भी आने वाले विधानसभा इलेक्शन में बताएंगे।